हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में करंट डिवीजन फार्मूला ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टर फॉर द सर्किट शोन। देखो ये सर्किट दिया है, ये सर्किट में ये 4 ओम रेजिस्टर में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही करंट डिवीजन फार्मूले का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के वीडियो में बताए थे। तो अगर वो फार्मूला आपने अगर अपनी नोटबुक में नहीं लिख के रखा है तो यहां जब हम बताएंगे तो वो आप अपने नोटबुक में जरूर लिख के रखो, क्योंकि वो फार्मूला अगर आपको पता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम में जहां करंट डिवाइड होता है आप आसानी से वो फार्मूले का यूज करके करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हमें 4 ओम रजिस्टर में से फ्लो होने वाला करंट अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें यह चेक करना पड़ेगा कि सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, क्योंकि अगर टोटल करंट मिल गया तो वही टोटल करंट को फिर हम डिवाइड करके करंट डिवीजन फार्मूला यूज करके 4 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्किट में अगर हम चेक करेंगे तो ये सर्किट में एक ही वोल्टेज सोर्स है। देखो यहां पे बैटरी लगी है और यहां पे वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट। इट मींस ये हो गया टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, पूरे सर्किट का ये टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज के वजह से टोटल करंट फ्लो होगा। तो टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो पता है क्या? नहीं। तो हम वो टोटल करंट पहले फाइंड आउट करेंगे। टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए हम ओम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। एक बार हमें टोटल करंट मिल गया तो फिर हम उसको आगे चल के ये नोड पे डिवाइड करके फिर हम करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो यहां पे हम सबसे पहले एक काम करते हैं, ये सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, जैसा हमने कहा था, ये गिवन सर्किट को हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया है और अब हम यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां पर हमें सबसे पहले टोटल करंट अगर फाइंड आउट करना है तो टोटल करंट के लिए हमें पहले टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना है वो हमें चेक करना पड़ेगा और फिर ओम्स लॉ का यूज करके टोटल करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए यहां पे देखो, यहां पे 3 रेजिस्टेंसेस हैं। इसको हमें सीरीज पैरेलल सर्किट, इट मींस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे हमें 6 ओम और 4 ओम ये दोनों पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों को हमें पैरेलली सॉल्व करना है। तो इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करने के बाद जो आंसर है, जो सर्किट है इसके बाद का, वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो यहां पे हमने नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करके रखा है। इन दोनों को हमें पैरेलली सॉल्व करके देखो यहां पे जो है उसका वैल्यू, जो उसका रिजल्ट है वो हमें यहां पे लिखना है। ये जो 1.6 ओम का रेजिस्टेंस है वो यहां पे रहेगा। देखो 1.6 ओम का रेजिस्टेंस, ये प्लस माइनस ये हम लिखेंगे। यहां पे 12 वोल्ट की बैटरी है और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर हमने इसको रफ में सॉल्व किया है तो ये आंसर आएगा, दैट इज 2.4 ओम। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है। सॉल्व करने का टेक्निक क्या है, R1 into R2 divided by R1 plus R2। चलो हम यहां पे फार्मूला आपको बता देते हैं, काफी सिंपल है। R1 into R2 divided by R1 plus R2, इट मीन 6 × 4 / 6 + 4। चलो हम यहां पे लिख लेते हैं 6 × 4 / 6 + 4। तो इसका आंसर आएगा 2.4 दैट इज ओम। तो ये हमने यहां पे रिजल्ट में, देखो ये सर्किट में यहां पे रिजल्ट लिख लिया है। ठीक है, और अब ये जो सर्किट है यहां से हमें पता चलेगा कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए देखो यहां पे क्या दिख रहा है, ये दोनों रेजिस्टेंस है सीरीज में है। तो इन दोनों को जस्ट ऐड करो, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद इसका आंसर आएगा, दैट इज 4 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो ये हम यहां पर लिखेंगे, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस को हम आरटी कहेंगे और ये वैल्यू आएगा दैट इज 1.6 + 2.4। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है दैट इज 4 ओम का हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल चुका है। ये टोटल रेजिस्टेंस हमने क्यों फाइंड आउट किए, क्योंकि हमें टोटल रेजिस्टेंस का यूज करके टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो चलो अब हम यहां पे टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे। ये है टोटल वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी, ये बैटरी के वजह से ये जो टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज के वजह से यहां से टोटल करंट फ्लो होगा। देखो ये निकल रहा है टोटल करंट, ठीक है, उसका ये देखिए उसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा। हम कन्वेंशनल करंट यहां पे शो कर रहे हैं जो कि प्लस टू माइनस होता है। तो ये देखो ये प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है, तो प्लस टू माइनस ऐसा कन्वेंशनल करंट ये हम शो कर रहे हैं। तो ये है टोटल करंट, टोटल वोल्टेज के वजह से ये टोटल करंट यहां से निकल रहा है और ये टोटल करंट यहां से आगे जा रहा है। देखो यहां पे, और यहां पे देखो नोड है, नोड माने जंक्शन पॉइंट जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती है। ठीक है, तो यहां पे ये जो नोड है, ये नोड पे ये टोटल करंट यहां पर डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट उधर जाएगा, कुछ करंट इधर आएगा। जो करंट इधर गया ये देखिए, जो कुछ करंट ये देखिए इस तरह से ये डिवाइड होगा। जो करंट इधर गया उसको हम नाम देंगे दैट इज IX, और जो करंट इधर गया ये ब्रांच में उसको हम नाम देंगे दैट इज IY। नेमिंग आप कुछ भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो IA IB ऐसा लिखो या I1 I2 ऐसा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि आप पर्टिकुलर क्या नेमिंग देना। तो ये हमने टोटल करंट को दो पार्ट में डिवाइड करा दिए और अब
जरा ध्यान से देखिए, आई एक्स आई वाई में से कौन सा करंट है जो 4 ओहम में से फ्लो होगा? तो ये जो 4 ओहम है इसमें से ये आई एक्स वाला करंट जो है ये फ्लो होगा। देखो ये आई एक्स वाला जो करंट है ये 4 ओहम में से फ्लो होगा। क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओहम रेजिस्टेंस, तो 4 ओहम रेजिस्टेंस में से आई एक्स फ्लो हो रहा है, तो बस हमें ये आई एक्स फाइंड आउट करना है। अगर हमने ये आई एक्स फाइंड आउट कर लिए तो फिर ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये आई एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें अब करंट डिवीजन फार्मूले का यूज करना है। क्यों क्यों हम यूज करेंगे करंट डिवीजन फार्मूला? वो इसीलिए क्योंकि यहां पे करंट डिवाइड हुआ, करंट डिवाइड होने के बाद के करंट हमें फाइंड आउट करना है। करंट डिवाइड हुआ इसलिए करंट डिवीजन फार्मूला, आप इसको करंट डिवीजन फार्मूला कहो या करंट डिवीजन रूल कहो एक ही बात है। तो चलो करंट डिवीजन फार्मूले का यूज करते हैं और आई एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे, लेकिन जस्ट अ मिनट, यहां पे अभी तक हमने टोटल करंट फाइंड आउट नहीं किया है। तो हमने टोटल रेजिस्टेंस तो हमने यहां पे निकाल लिए, देखो 4 ओम, और अब पहले टोटल करंट फाइंड आउट कर लेते हैं, इट मींस आई टी फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था टोटल करंट की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम यहां पर लिखेंगे टोटल करंट, टोटल करंट को हम कहेंगे दैट इज आई टी। तो टोटल करंट के लिए टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस करना होता है, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज है 12 और टोटल रेजिस्टेंस है 4, तो ये हमें मिल गया 3 एम्पियर। तो हमें फाइनली टोटल करंट मिल चुका है कितना, 3 एम्पियर। टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, वोल्टेज है 12 और टोटल रेजिस्टेंस है 4, 12/4 3 एम्पियर का हमें टोटल करंट मिल गया। इसका मतलब अब हम आसानी से करंट डिविजन फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे करंट डिविजन फार्मूला लिख लेते हैं। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था, फार्मूला अगर आपके पास नोटबुक में लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो आप अभी के अभी लिख लो। देखो फार्मूला कुछ ऐसा है, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय करंट डिवीजन फार्मूला, बाय करंट डिवीजन फार्मूला। तो देखो फार्मूला कैसा है, तो फार्मूला काफी सिंपल है। देखो जो करंट आपको फाइंड आउट करना है उसको हम कहेंगे आई एक्स, ठीक है, और उसके बाद आपको यहां लिखना है टोटल करंट, तो हम यहां पर लिखेंगे आई टी, आई टी यानी टोटल करंट इनटू। अब देखो इनटू यहां पे क्या करना है, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनटू न्यूमरेटर में आपको लिखना है रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, ये आपको न्यूमरेटर में लिखना है। और डिनोमिनेटर में पहले फिर से वही यहां पे लिखना है रेजिस्टेंस ऑफ, हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहे ताकि यहां पे पूरा हो जाए, आर, आर माने रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, रेजिस्टेंस ऑफ, जो यहां नीचे लिख लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। देखो यहां पे हमने क्या लिखा है, आई एक्स जो करंट हमें फाइंड आउट करना है वो, देन यहां पे आई टी माने टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, यहां पे जो भी अपोजिट ब्रांच होगा उसका रेजिस्टेंस आपको ऊपर लिखना है, वही रेजिस्टेंस आपको नीचे भी लिखना है, और प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, इट मींस करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस, समझ गए। तो चलो अब हम ये फार्मूले का यूज करेंगे, उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला आपने नोटबुक में लिख लिया होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे आई एक्स इक्वल्स टू, देखो आई एक्स इक्वल्स टू आई टी माने टोटल करंट, तो टोटल करंट हमने यहां पर फाइंड आउट किया है कितना, 3 एम्पियर, तो हम यहां लिखेंगे 3, ठीक है, इनटू, अब देखिए अपोजिट ब्रांच कौन सा है और अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है। पहले तो आप ये देखो कि टोटल करंट जो डिवाइड हुआ वो टोटल करंट कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, तो टोटल करंट यहां पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ, टोटल करंट आई टी दो पार्ट में डिवाइड हुआ, आई एक्स आई वाई, ठीक है, आई एक्स आई वाई में से आप आई एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, समझ लो अपोजिट ब्रांच का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है, आई एक्स आई वाई में से आप आई एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आई वाई वाली ब्रांच जो है वो अपोजिट हो जाएंगी, ठीक है, आई वाई वाली ब्रांच अपोजिट, तो ये ब्रांच में क्या रेजिस्टेंस है, 6 ओम, तो ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच 6 ओम, वो हमें ऊपर भी लिखना है वो हमें नीचे भी लिखना है, प्लस अब लिखना है रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, इट मींस करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो करंट आप ये ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं, ये ब्रांच में रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम, तो हम यहां लिखेंगे 4, देखो इस तरह से, ठीक है, तो यहां पर अपोजिट ब्रांच समझ गए। तो अगर आप आई एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो आई वाई वाली ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो जाएंगी, और अगर आप आई वाई फाइंड आउट करते हैं तो आई एक्स वाली ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो जाती है, ठीक है, समझ गए कॉन्सेप्ट। तो अब हमने यहां पे आई एक्स के लिए आई वाई अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस यहां पे हमने लिख लिया है दैट इज 6 ओम, ऊपर भी नीचे भी, और रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, इट मींस करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट करें वो ब्रांच का रेजिस्टेंस 4 है, इसलिए 4। और अब इसको हमें सॉल्व करना है आसानी से, हमें यहां पे आई एक्स मिल जाएगा, तो 3 इंटू ये हो जाएगा 6 बाय 10, 6 बाय 10 इट मीन 0.6,
देखो यहां पे 3 into ये 0.6, तो यहां पे हमें आंसर मिल जाएगा 3 into 0.6 1.8 एम्पियर। तो फाइनली हमें आई एक्स मिल गया। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, तो 4 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट आई एक्स ये हमें मिल चुका है 1.8 एम्पियर। और फाइनली प्रॉब्लम यही पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था करंट डिवीजन फार्मूला, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले जो हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। और इसके आने वाले वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।